हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ ए पैरामीट्रिक फंक्शन। यहां पे एक और एग्जांपल है, वी हैव टू कैलकुलेट डी वाई बाई डी एक्स। इफ एक्स इक्वल टू ए डी प्लस साइन टी एंड वाई इक्वल टू ए वन माइनस कॉस टी। एक्स और वाई दोनों यहां पे किसका फंक्शन है, टी या थीटा? टी के फंक्शन। तो वाई को डायरेक्टली एक्स के टर्म में कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि वाई एक्स का फंक्शन नहीं है। अगर होता तो डायरेक्टली कैलकुलेट करते। जब एक्स वाई ऐसे सेपरेटली टी या थीटा के टर्म में दिया हो, तब ये जान जाएंगे कि किस पैटर्न का क्वेश्चन है, पैरामेट्रिक फॉर्म का। हम इसमें एक्स और वाई को सेपरेटली डिफरेंशिएट करेंगे। एक्स इक्वल टू ए टी प्लस साइन टी बिफोर डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टी, दैट मीन डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की वैल्यू ए ब्रैकेट टी प्लस साइन टी। ए कॉन्स्टेंट मल्टीप्लायर है, बाहर कर दोगे, डिफरेंशिएशन किसका होगा, टी प्लस साइन टी का। प्लस से सेपरेटेड टर्म है, अलग अलग होगा डिफरेंशिएशन। डी बाई डी टी ऑफ टी प्लस डी बाई डी टी ऑफ साइन टी, मैंने और सिस्टमेटिक लिख दिया। अब जैसा एक्स का एक्स के टर्म में वन होता है डिफरेंशिएशन, वैसे टी के टर्म में वन होगा, प्लस साइन टी का कॉस टी। ये हमारा डी एक्स अपॉन डी टी निकल आया। सिमिलरली वी विल डिफरेंशिएट वाई, वाई इक्वल टू ए वन माइनस कॉस टी। लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी, डी बाई डी टी ऑफ वाई, दैट मीन्स डी बाई डी टी ऑफ वाई की वैल्यू ए वन माइनस कॉस टी। ए बाहर करें, डिफरेंशिएशन होगा अंदर दोनों का, वन को अलग करिए और डिफरेंशिएशन एक स्टेप मैंने कम कर दिया है ना, कॉस टी का अलग होगा। ए कांस्टेंट है, टी वाली चीज नहीं है, उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है कांस्टेंट का, जीरो। माइनस कॉस टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन टी। ए यहां से हो गया प्लस साइन टी, ए साइन टी आया आपका डी वाई बाई डी टी, और ए ब्रैकेट वन प्लस कॉस टी आया डी एक्स अपॉन डी टी। अब हमको क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स। सोल्यूशन हो जाएगा देयरफोर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स अपॉन डी टी। इनकी वैल्यूज को रख दीजिए, डी वाई बाई डी टी क्या है, ए साइन टी, और डी एक्स अपॉन डी टी क्या है, ए वन प्लस कॉस टी। ऊपर नीचे से ए कैंसल हो गए, आंसर साइन टी अपन वन प्लस कॉस टी हो सकता है, छोड़ दें, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला हमें पता है तो थोड़ा और सिंप्लीफाई होगा। साइन टी कैन बी डन एज टू साइन टी बाय टू इंटू कॉस टी बाय टू। अब आपके लिए अगर नया है तो ये फॉर्मूला लिख लेना, वन प्लस कॉस टी को लिखते हैं टू कॉस स्क्वायर टी बाय टू। अब ये टू और ये टू इंटू में कट गया, कॉस टी बाय टू और नीचे का एक पावर कट गया, ऊपर है एक बार साइन टी बाई टू और नीचे है एक पावर कटने पर कॉस टी बाई टू। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन टी बाई टू, ये आपका फाइनल आंसर। सर वहां पर वन प्लस साइन टी, वन प्लस साइन टी नहीं बल्कि वहां वन माइनस कॉस टी वाले स्टेप्स आएंगे कई जगह पे, वन माइनस कॉस टी रहेगा तो टू साइन स्क्वायर टी बाई टू, ठीक है। साइन टी का ऐसे ही रहता है, साइन टी को टू साइन टी बाई टू कॉस टी बाई टू लिखेंगे। अगर हमको आगे उससे और सिंप्लीफाई होने का पॉसिबिलिटी नजर आता है तो लगते हैं, ठीक है। तो ये यहां पे आंसर कंप्लीट होता है, इसको नोट करेंगे। सी नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ एक्स इक्वल टू लॉग टी प्लस साइन टी एंड वाई इक्वल टू ई टू दी पावर टी प्लस कॉस टी। यहां x y दोनों t के फंक्शन है, हम उसी के रिस्पेक्ट में पहले उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे।
एक्स इक्वल टू लॉग पी प्लस साइन पी। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, डी बाई डी टी ऑफ एक्स, दैट मीन्स डी बाई डी टी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, दो टर्म है लॉग पी प्लस साइन पी, ब्रैकेट लगा दीजिए, प्लस माइनस से सेपरेटेड टर्म अलग अलग डिफरेंशिएट किए जाते हैं, आप दोनों को अलग कर दें, लॉग टी का अलग साइन टी का अलग, आप रिजल्ट लिख दो, लॉग एक्स का एक्स के टर्म में वन बाई एक्स होता है, तो लॉग टी का टी के टर्म में वन अपॉन टी होगा, साइन टी का कॉस, ये काम यहां पे कंप्लीट हो गया। सिमिलरली वी विल डिफरेंशिएट वाई, ई टू द पावर टी प्लस कॉस टी, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी, डी बाई डी टी ऑफ वाई, दैट मीन डी बाई डी टी ऑफ ई टू दी पावर टी प्लस कॉस टी, अलग अलग लिखें, डी बाई डी टी ऑफ ई टू दी पावर टी प्लस डी बाई डी टी ऑफ कॉस टी, इसका रिजल्ट क्या लिखूं, ई टू दी पावर टी का सेम ई टू दी पावर टी, कॉस का माइनस साइन टी, अब हमको चाहिए डीवाई बाई डी एक्स, नाउ डीवाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, डीवाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स अपॉन डी टी, और इनके वैल्यूज को लिखते जाएंगे, डीवाई बाई डी टी का है ई के पावर टी माइनस साइन टी, और नीचे अपॉन में ये वन अपॉन टी प्लस कॉस टी, अब इनका थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, फ्रैक्शन में आ गया है, एलसीएम लेना पड़ेगा, है ना, वन बाई टी प्लस कॉस टी, ऊपर वाला एज इज रहने दो, ई के पावर टी माइनस साइन टी, यहां एलसीएम लेंगे टी होगा वन प्लस टी इंटू कॉस टी, पूरे एक नीचे जो टी आएगा उसको मैं इसके साथ ऊपर इंटू में रख दू, एलसीएम लेना आता है दिक्कत नहीं है, देखो ये सोचो टी से मल्टीप्लाई कर दिया, टी से मल्टीप्लाई किया कट गया, यहां का वन बचा, टी यहां मल्टीप्लाई हो गया, ठीक, टी हमने नीचे मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर में, ऊपर भी करना पड़ेगा, ऊपर का दिख रहा है, या सोचो आप एलसीएम लेके नीचे वाला सॉल्व करके ऊपर गया, या सोचो ऊपर नीचे टी का मल्टीप्लीकेशन हुआ, ये अब सिंप्लीफाइड आंसर है, इसमें और कोई सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है, तो दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।